टू माय चैनल योर सोल हैकर कनु में। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना हिना हेयर पैक। यस, और मैंने उस हिना हेयर पैक को अप्लाई किया तो मैंने हेयर वॉश कर लिया, बालों को मैंने ड्राई कर लिया, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। बिलीव मी गाइस, मैंने अपने बालों में और कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ मैंने हेयर वॉश करके बालों को सुखाया है और अपने बाल देखिए कितने सिल्की कितने स्मूथ लग रहे हैं। तो आप भी जानना चाहेंगे ना कौन सा वो हेयर पैक, तो जल्दी से देख लेते हैं मेरा हिना हेयर पैक। एंड अगर आपको मेरा ये हेयर पैक पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। तो जल्दी से देख लेते हैं मेरा हिना हेयर पैक। मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, मैं भृंगराज पाउडर, हिना पाउडर, मैंने मेथी लिया है, ये कलौंजी लिया है, आंवला पाउडर लिया है, ये हिबिस्किस पाउडर लिया है, और ये मैंने बटर मिल्क लिया है, और ये ब्लैक टी ली है। तो आइए हम पहले बना लेते हैं इसको। सबसे पहले जो ब्लैक सीड और कलौंजी है मैं इसको जो है दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। मैंने 2 टेबल स्पून लिया अप्रॉक्स, सेम अमाउंट मैंने मेथी भी ली है। दोनों को मैं पानी मिला के जो है रात भर के लिए सोक करने के लिए रख दूँगी। मेथी में जो हाई प्रोटीन होता है और निकोटिनिक एसिड होता है जो हमें बालों को हेयर लॉस से बचाता है, बालों को पतला होने से बचाता है। कलौंजी में भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमें बालों को प्रीमेच्योर ग्रेइंग से बचाती है, हेयर लॉस से बचाती है, बालों को स्ट्रेंथ करती है। तो देखिए हमने सोक कर लिया, इसको रात भर के लिए मैं रख दूँगी। तो आइए मैं हिना पैक बना लेती हूँ। तो हिना पैक के लिए मैंने सबसे लोहे की कढ़ाई ले ली है। मैं धीरे धीरे मैं अपने सारे इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी। तो मैं सबसे पहले 4 टेबल स्पून हिना ऐड करूँगी। हिना तो आपको बालों को डैमेज होने से बचाता है, कंडीशनिंग करता है बहुत अच्छा, डैंड्रफ से भी बचाता है। अब मैं इसमें भृंगराज पाउडर ऐड करूँगी। भृंगराज पाउडर बालों ग्रे होने से बचाता है। अब मैं इसमें जो है आंवला पाउडर ऐड कर रही हूँ, और अब मैं जब ना हिबिस्किस पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इसको ब्लैक टी के हेल्प से मैं धीरे धीरे सब जो है मिक्स करती जाऊँगी। हिबिस्किस पाउडर जो है बालों के हेयर लॉस से बचाता है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग से बचाता है, कंडीशनिंग करता है। उसे भृंगराज जो होता है वो भी ग्रे से बचाता है आपको। हिबिस्किस पाउडर जो होता है वो हेयर लॉस से बचाता है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग से प्रिवेंट करता है, हेयर को हेल्दी बनाता है। हिना जो है डैमेज को रिपेयर करती है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, डैंड्रफ से बचाती है, कंडीशनिंग करती है। आज मैंने बटर मिल्क ऐड किया, बटर मिल्क हाई इन प्रोटीन होता तो हेयर को जो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हेल्दी बनाएगा। ब्लैक टी ऐड की है तो ब्लैक टी बालों को शाइन प्रोवाइड कराती है, हेयर लॉस से बचाती है। अब इसको हम प्लेट से ढक के ओवरनाइट के लिए हम छोड़ देंगे, तो नेक्स्ट मॉर्निंग देखेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, इसका क्या हाल चाल है। तो देखिए हमारे कढ़ाई में किनारे किनारे काला काला इसने छोड़ दिया कॉर्नर में, ब्लैक ब्लैक। तो हम इसको पहले मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है हम अपना जो है मेथी और हमने ब्लैक सीड जो थी इसको सोक किया था, उसको हम जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसका हम पाउडर बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे। तो हम इसको पूरे अच्छे से ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी इसमें हिबिस्कस लीफ, मैं इसमें लास्ट ईयर पैक में भी ऐड किया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी करी लीव्स 10 बार, मैंने 10 करी लीव्स लिए हैं, 10 हिबिस्कस लीफ लिए थे। अब दोनों को मिला के मैं अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया, इसको मैं अपने हिना हेयर पैक में मैं ऐड कर लूँगी। तो फटाफट से मैं इसको ऐड कर लेती हूँ। मैंने रात भर के हमने इसको सोक कर लिया है तो ये बहुत अब अच्छे से काम करेगा। तो अब जब भी कलौंजी और मेथी को यूज़ करें बालों में तो आप उसको ओवरनाइट के लिए सोक करके ही रख ले तो ज़्यादा बेनिफिट देता है। इस पर हमने जो है हिबिस्कस लीव्स और करी लीव्स ऐड किए। जो करी लीव्स होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो डेड हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको रिमूव करता है, हेयर लॉस से बचाता है, डैंड्रफ को रिमूव करता है। मीठी नीम हिबिस्कस लीफ जो हो तो डैंड्रफ से हमें बचाता है, बालों को कंडीशनिंग करता है, स्प्लिट इंड से प्रिवेंट करता है,
हेयर को हेल्दी बनाता है। मैंने सबको ट्रांसफ़र करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसका अच्छा स्मूथ सा हम पेस्ट बना लिया मैंने अच्छे से। तो ये हमारा अच्छा सा हेयर पैक बनके तैयार हो गया है। अब चलते हैं इसको फटाफट से हेयर पे अप्लाई कर लेते हैं। आफ्टर वॉश मेरे हेयर सिल्की स्मूथ शाइनी हो गए थे, बहुत ही मैनेजेबल हो गए थे। तो आप भी हेयर पैक ट्राई करिए, मुझे बताइएगा आपको हेयर पैक कैसा लगा। बाय बाय।